सिनेमा में एक विलन हीरोइन को तंग कर कहानी में नई बोल लाती है, लेकिन वैप कहानी में आकर एक पल में सब कुछ हो जाता है। ये हिंदी सिनेमा में वैप की ताकत। अगर पुरानी हिंदी फिल्मों देखे तो वैप अक्सर बोर्ड कपड़े पहनती थी, कहानी के किरदार को अपने चलनों से प्रभावित करती थी और गलत काम कर अपनी मर्जी से करती थी। 60 और 70 के दशक में वैप के नई अभिनेत्री आई, वैप का कहानी एक अलग रोल होता था। वैप कहानी को नया मोड़ लाती थी। कुछ वैप तो एक गाने में बोर कपड़े पहनकर डांस करती थी। हिंदी सिनेमा की वैप अपने एक किरदार या गाने से लाख सालों तक लोगों के याद रहती थी, चाहे वो बिंदु का किरदार मुरारली हो या पटी पतंग का गाना मेरा नाम शबनम हो, फिर हेलन को पद्मा खन्ना हो या बिंदु अर्णव ईरानी हो। पद्मा खन्ना की फिल्म जॉली मेरे नाम का हुस्न के लाखों लोग बहुत पसंद करते हैं। हेलन के बहुत से गाने तो सुपरहिट रहे। अरुणा ईरानी को 1992 में आई अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म बेटा में नेगेटिव किरदार में आज भी लोग याद करते हैं। पीएम ने उससे खास बातचीत में मॉडलिंग बनी। बिंदु ने बताया कि उन्हें रोल में वैप के मिलने बहुत खुशी हुई थी। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट।